हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सो सब लोग अच्छे होंगे। तो आज जो मैं आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर के आया हूँ, जयपुर शहर की एक और बहुत ही अच्छी लोकेशन में लोकेटेड है, जो कि मैं अगर बात करूँ कहाँ पर है, तो सेल्वी हॉस्पिटल से बहुत ही पास में ये प्रॉपर्टी होने वाली है, वैशाली वेस्ट के अंदर है। देखिए, प्रॉपर्टी आप लोग काफ़ी समय से सर्च कर रहे होंगे, आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी सर्च करते रहते हैं, लेकिन उनको एक अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाती है। अच्छी प्रॉपर्टी होती है तो अच्छी जगह पर नहीं होती है, और देखिए फिर अच्छी जगह पर भी मिल जाती है तो आस पड़ोस ठीक नहीं होता है, तो इसलिए वो परेशान रहते हैं और प्रॉपर्टी ढूंढते ढूंढते ही हो जाते हैं परेशान, और उसे किट कर देते हैं कि भैया अभी प्रॉपर्टी नहीं लेनी, थोड़े टाइम बाद सोचेंगे, थोड़े टाइम बाद देखेंगे। लेकिन वो चीज़ हम लोगों ने आपके लिए बिल्कुल सॉल्व कर दी है। घर बैठे आपको बहुत प्यारी प्यारी प्रॉपर्टीज़ हम दिखाते रहते हैं जयपुर शहर के अंदर, और साथ ही उनके प्राइजेस, सारी चीज़ें, जो भी आसपास की चीज़ें होती हैं, एमिनिटीज़ होती हैं, वो सारी चीज़ आपके साथ में शेयर करते हैं। उसके अगेंस्ट में सिर्फ इतना सा मांगते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को ज़रूर से लाइक किया कीजिए। तो आज जो मैं आपको प्रॉपर्टी दिखा रहा हूँ, जयपुर शहर की एक बहुत अच्छी लोकेशन, वैशाली वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी लोकेटेड है और सेल्वी हॉस्पिटल से बहुत ही पास में है। यहाँ से चित्रकूट स्टेडियम भी पास में है और साथ ही अजमेर रोड के लिए जो रास्ता निकलता है वो भी पास में है। बाईपास की दूरी भी यहाँ से बहुत ही नज़दीक होने वाली है। देखिए कुछ इस तरीके से हमारे पास में कुछ विलाज अवेलेबल हैं, जो कि वेस्ट फेसिंग में भी है, लेकिन मैं आज आपको टूर कर रहा हूँ नॉर्थ फेसिंग वाले का। हमारे पास में जो विला होने वाले हैं वो 120 गज से स्टार्ट होकर के 185 गज तक आपको मिल जाते हैं। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो 20 का फ्रंट सभी का आपको ऑलमोस्ट मिल जाता है, बढ़िया बढ़िया साइज़ के साथ में बढ़िया बढ़िया प्रॉपर्टी है। जस्ट अपने विला के सामने आप देखें कुछ इस तरीके से रोड, काफ़ी ब्रॉड रोड आपको मिल जाती है, पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड ये कॉलोनी होने वाली है, और साथ ही प्रॉपर्टी बहुत ही लग्जरी प्रॉपर्टी होने वाली है। अगर आप भी ऐसी एक लग्जरी प्रॉपर्टी वैशाली वेस्ट के अंदर जो है सर्च कर रहे थे, तो एक सही जगह पर आ गए हैं, सही वीडियो पे आ गए हैं, और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ जाकर डायरेक्टली आप कॉल करके इस प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल ले सकते हैं। सामने की तरफ देखिए कुछ इस तरीके से मेन एंट्रेंस पे आपको डोर मिल जाता है, जो कि बीच में आपको टफन ग्लास और आयरन का वर्क करके दिया गया है, बेहद ही प्यारा खूबसूरत सा लग रहा है। प्रॉपर्टी बाहर से ही नहीं अंदर से भी बहुत खूबसूरत है, और साथ ही कंस्ट्रक्शन क्वालिटी भी बेस्ट होने वाली है। यहाँ से भी इसकी एंट्री हो जाती है, जो कि आपको इसके सीधे लिविंग एरिया की तरफ लेकर के जाती है, लेकिन ये कॉर्नर प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको दिखा दूँ किस तरीके की है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा स्पेस आपको अवेलेबल है, और ये पूरी गैलरी हम लोगों ने छोड़ी है, साइड बैक छोड़ी है, यानी कि आप देखेंगे तो पूरा यहाँ पर प्लांटेशन आपको करके दिया गया है। आप सुबह या शाम के समय इधर घूम सकते हैं, थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये मिल जाता है पार्किंग का स्पेस, जो कि काफ़ी बड़े साइज़ में आपको पार्किंग स्पेस अवेलेबल करवाया गया है। शू रैक यहाँ पर आपको दी गई है, जो कि इस तरफ हम लोगों ने डिज़ाइन की है। यहाँ पर आपको वाटर टैंक प्रोविज़न है, जो कि नॉर्थ फेसिंग की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो 30x55 के डायमेंशन में ये प्रॉपर्टी है। ऊपर की साइड में देखिए जो फुल सीलिंग का वर्क है वो भी बेहद ही प्यारा खूबसूरत सा आपको मिल जाता है। प्रॉपर्टी 120 गज से स्टार्ट होकर के और जो है यहाँ पर आपको 185 गज तक है। यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी आर्टिफिशियल ग्रास का काम करके दिया गया है, और इस तरफ आ जाता है आपका जो है एंट्रेंस। यहाँ पर देखिए वायर मेश डोर आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से, और अंदर की साइड में यहाँ पर आपको एक डोर और अवेलेबल करवाया गया है, जो कि इस तरफ आप देखेंगे। ये देखिए इसकी भी क्वालिटी काफ़ी बेस्ट होने वाली है, बहुत प्यारा सा वर्क यहाँ पर भी आपको मिल जाता है, और ये आ जाता है इसका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस है। सामने की तरफ में आपको वॉलपेपर और साथ ही वुडन का बहुत ही प्यारा सा वर्क करके दिया गया है, और जस्ट ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क है और कॉप कंसील लाइट्स वगैरह लगा करके दी गई है। सीएनसी जाली का भी यूज़ किया गया है, जिससे कि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा निखर करके आ रही है। यहाँ पर देखेंगे तो ये बाथरूम आ जाता है, जो कि इधर पाउडर रूम आपको दिया गया है। जो भी आपके गेस्ट आएंगे सीधे आपके इस बाथरूम को यूज़ कर सकते हैं, आपके पर्सनल बाथरूम को उनको यूज़ आप नहीं करने देना चाहते हैं, तो एक अच्छा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है, जो कि इसके लिविंग एरिया के साथ ही आपको मिल जाता है। जब भी आपके गेस्ट यहाँ पर बैठे रहेंगे तो कुछ समय होता है जिस टाइम पे वो ऐसा होता है कि आप कहीं पर चले गए हैं, आप अभी नहीं हैं, तो वो बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। उनके लिए क्या होता है कि सामने की साइड में हम लोगों ने एलईडी पैनल दिया है, यहाँ पर एलईडी इंस्टॉल्ड हो जाएगा तो वो इन्जॉय कर पाएंगे अपने टाइम को। और यहाँ से अगर मैं आगे की तरफ आपको लेकर के चलूँ तो ये आ जाता है इसका हॉल, काफ़ी बड़ा हॉल है, हॉल का साइज़ काफ़ी स्पेशियस है, जहाँ पर कि आपको डाइनिंग एरिया दिया गया है। डाइनिंग एरिया जो है इतना स्पेशियस है, जहाँ पर आपको 6 सीटर डाइनिंग एरिया अवेलेबल करवाया गया है। वहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, जहाँ पर सभी जगहों पर आपको जो कैमराज लगे हुए हैं वो यहाँ से आप देख पाएंगे कहाँ पर क्या एक्टिविटी चल रही है, तो वो चीज़ भी ज़रूरी है देखिए एज़ अ सेफ्टी पर्पज़। और जब भी आप यहाँ से ये जो मेन एंट्रेंस है, यहाँ से जैसे आप अंदर आएंगे तो सबसे पहले आपको दर्शन होंगे आपके मंदिर के, आपके इष्ट देवता के, आपके भगवान के, आपके गॉड की, जिसको आप मानते हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ आपको मिलेगी। तो पॉजिटिविटी आपके अंदर हमेशा बनी रहेगी, उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से ये स्पेस अवेलेबल है। अगर देखिए आपको बैठना है थोड़ी देर लेटना है तो यहाँ पर ये स्पेस मिल रहा है, आपको कुछ काम करना चाहते हैं बैठ करके तो वो भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ थी किचन, किचन का साइज़ काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है, जहाँ पर कि आपको फुली मॉड्यूलर किचन है। काउंटर टॉप यहाँ पर वाइट ग्रेनाइट के साथ में है। ऊपर की साइड में देखेंगे प्रॉपर आपको
जो है फिटिंग्स करके दी गई है, कैबिनेट्स मिल जाते हैं, नीचे की साइड में आपको लाइटिंग कॉम्बिनेशन है लाइट का, और ये देखिए जो यहाँ पर सनमाइका यूज़ की गई है वो बहुत प्यारी है, खूबसूरत है। नीचे की साइड में भी आपको जो है ये लॉक्स देते हुए मिलते हैं, ये सारे के सारे आपको हाइड्रोलिक मिल जाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके के हाइड्रोलिक है। इस तरफ देखेंगे तो ये सिंक एरिया है, बर्तन वगैरह वॉश कर पाएंगे। नीचे की साइड में माइक्रोवेव ओवन वगैरह प्रॉपर चीज़ें आपको दी गई है। यहाँ पर आपको कटलरी रखने के लिए आपका स्पेस अवेलेबल करवाया गया, लाइटिंग सभी जगहों पर है, नाइट के समय भी आपको प्रॉपर विजिबिलिटी बनी रहेगी। ये देखिए कुछ इस तरीके से किया जाता है इसका बैकयार्ड का एरिया, बर्तन थोड़े ज़्यादा हो गए हैं तो यहाँ पर आप उन्हें वॉश कर पाएंगे, ये अच्छा स्पेस आपको मिल रहा है। वहाँ से भी देखेंगे तो ये वॉशिंग एरिया की तरह आप इस जगह को यूज़ ले सकते हैं, अच्छा स्पेस यहाँ पर भी आपको अवेलेबल करवाया गया है। तो ग्राउंड फ्लोर में आपको पूरी तरीके से टूर करा चुका हूँ, यहाँ से भी जब जैसे ही आप इस तरफ आ रहे हैं तो देखिए कितना प्यारा शैंडलियर है जो कि जस्ट इसके डाइनिंग एरिया के ऊपर है। इस तरफ हम लोग देखेंगे तो ये आ जाता है इसका बेडरूम, बेडरूम का साइज काफ़ी स्पेशियस है, सामने बेड के हेड पे कुशन वर्क आपको प्यारा लेदर फिनिश के साथ में, वॉलपेपर और वुडन का वर्क। जस्ट ऊपर देखेंगे तो फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है, कॉपर कंसील लाइट्स वगैरह है। इस तरफ देखेंगे तो विंडो है जहाँ से आपका सनलाइट और वेंटिलेशन बना रहेगा, और ये आ जाता है यहाँ पर इसका वार्डरोब, तो आपके ड्रेसेस वगैरह आप इजीली रख पाएंगे। सामने देखिए तो यहाँ पर आपका एलईडी पैनल है, एलईडी आपका इजीली इंस्टॉल्ड होगा। देखिए प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस यहाँ पर जो स्टार्ट है वो 1,35,00,000 रुपये से स्टार्ट होकर के 1,90,00,000 रुपये तक का प्राइस है, क्योंकि सभी के साइजेस अलग अलग है। मैंने आपको बताया कि 120 गज से स्टार्ट होकर के 185 गज तक का यहाँ पर विला आपको मिल जाता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया आपको दिख रहा है, और यहाँ पर आता है बाथरूम, बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी बढ़िया आपको मिल रहा है। प्रॉपर्टी एक लग्जरी प्रॉपर्टी है, आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ सके कि प्रॉपर्टी कैसी होने वाली है, और जयपुर शहर की एक बहुत अच्छी लोकेशन अपने वैशाली वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अगर आप भी वैशाली वेस्ट में बाईपास के पास में सेल्वी हॉस्पिटल से नज़दीक अगर कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे तो एक अच्छी प्रॉपर्टी मैं आज आपको दिखा रहा हूँ। तो आप विजिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, विजिट करने के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में है। स्टेयर्स पे भी आपको देखेंगे कि काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है, और फुट लैंप्स दिए गए हैं जिससे कि रात के समय विजिबिलिटी बनी रहे, पैर वगैरह स्लिप ना हो और मोच ना आ जाए, तो वो चीज़ भी है यहाँ पर। और यहाँ पर देखेंगे तो बढ़िया सा बड़ा सा आपको हॉल है, हॉल का साइज़ काफ़ी बड़ा है, जहाँ पर आपको सिटिंग अरेंजमेंट है, पीछे की साइड में वुडन का वर्क है, वहाँ पर वॉलपेपर, और ऊपर की साइड में आप देखेंगे तो फुल सीलिंग का वर्क है जहाँ पर कॉप और कंसील लाइट वगैरह लगा करके दी गई है। अब इसके फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम्स हैं, तो पहला बेडरूम हम देखते हैं जो कि किड्स रूम है, तो ये किड्स रूम आ जाता है। आप कुल्टिंग वर्क देखिए बहुत प्यारा है, पीछे आपको कुछ डेकोरेटिव आइटम रखने के लिए स्पेस अवेलेबल है। यहाँ पर भी आपको प्लेटफॉर्म्स बना करके दिए गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर आप स्टडी वगैरह करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको वार्डरोब है, आपका जो भी सामान वगैरह रख सकते हैं, और यहाँ पर जो ड्रेसिंग जहाँ पर जो आपको फुल सीलिंग है वो डिफरेंट मिल रही है। ये है इसका बैकयार्ड का एरिया जो कि काफ़ी बढ़िया साइज़ में आपको दिया गया है, ये देखिए, और वेंटिलेशन भी प्रॉपर बना रहेगा। आप चाहें कोई सामान वगैरह स्टोर करना तो वो कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इस जगह को यूज़ में आप ले सकते हैं। तो ये तो देख लिया आपने इसका सेकंड बेडरूम, अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका जो है थर्ड बेडरूम। बेडरूम का साइज़ यहाँ पर भी काफ़ी स्पेशियस है, बैठने का अरेंजमेंट यहाँ पर आपको इतना बढ़िया मिल जाता है रूम का साइज़ कि आपको सिटिंग अरेंजमेंट भी मिल जाता है। इस तरफ देखिए तो यहाँ पर आपको कुल्टिंग वर्क है, पीछे आपको देखेंगे आपको वुडन का काम है, मिरर वर्क है, साथ ही आपको यहाँ पर वॉलपेपर, ऊपर की साइड में फुल सीलिंग का वर्क मिल जाता है जहाँ पर कॉप और कंसील लाइट वगैरह लगा करके दी गई है। सामने जस्ट यहाँ पर आपको एलईडी पैनल है जहाँ पर आपका एलईडी इजीली इंस्टॉल्ड हो जाएगा, और बड़े से बड़ा एलईडी इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, वहाँ पर बड़ी सी वार्डरोब, ड्रेसिंग एरिया और साथ ही बाथरूम भी यहाँ पर इस रूम के साथ में आपको मिल जाता है। प्रॉपर्टी का प्राइस जो स्टार्ट हो जाता है 1,35,00,000 से 1,90,00,000 रुपये तक है, जो कि प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टार्टिंग प्राइस 1,35,00,000 से स्टार्ट होकर के 1,90,00,000 रुपये तक। अब आप कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में है, अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। JDA अप्रूव्ड प्रॉपर्टी है, जयपुर शहर के अंदर लोकेटेड है, जो कि वैशाली वेस्ट में है। यह आ जाता है इसका एक और बेडरूम जो कि इसका फोर्थ बेडरूम है। सामने की तरफ देखिए कुछ इस तरीके से LED पैनल है, और पीछे आपको बढ़िया सा वर्क मिल जाता है। ऊपर देखिए वहाँ पर आपको फुल सीलिंग का वर्क है जहाँ पर कॉप और कंसील लाइट वगैरह लगा करके दी गई है, और इस तरफ यहाँ पर बेड के हेड पे प्यारा सा कुशन वर्क लेदर फिनिश के साथ में, वुडन का सनमाइका वगैरह लगा करके दी गई है, और पीछे की साइड में वॉलपेपर का वर्क है, और ऊपर आपको फुल सीलिंग है। देखिए बिल्कुल डिफरेंट तरीके से इसे डिज़ाइन किया है, बेड के जस्ट ऊपर देखिए फुल सीलिंग एक अलग तरीके से मिल रही है, बीच में कुछ अलग तरीके से फुल सीलिंग है, और कॉर्नर पर बिल्कुल अलग है।
तो कुछ डिफरेंट तरीके से इस प्रॉपर्टी को डिज़ाइन किया है। इस तरफ देखिए तो ये आ जाता है इसका बढ़िया सा वार्डरोब और ड्रेसिंग एरिया, और साथ ही इस साइड में देखिए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है ये इसका बाथरूम। बाथरूम का साइज़ भी काफ़ी स्पेशियस आपको मिल रहा है, और साथ ही आप जो है इस रूम के साथ में अटैच होते हुए बाथरूम है, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ मिल जाती है, क्योंकि कई लोगों को बाथरूम अटैच चाहिए होता है। इस तरफ देखेंगे तो ये आ जाती है यहाँ पर इसकी बड़ी सी बालकनी। बालकनी का साइज़ काफ़ी बढ़िया आपको दिया गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए बालकनी कितने बढ़िया साइज़ में आपको मिल रही है, बढ़िया बालकनी है और साफ़ सुथरी बालकनी लग रही है, जिसमें देखेंगे वुडन का जो है टाइल्स का यूज़ किया गया है, वुडन टाइल्स का। आसपास की लोकेशन देख लीजिए कैसे होने वाली है। बाईपास यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर है, बहुत नज़दीक यहाँ से बाईपास आपका होने वाला है। ऊपर की साइड में देखेंगे तो CNC जाली के साथ में आपको लाइटिंग का जो काम है वो करके दिया गया, जो कि शाम के समय बहुत अच्छा लुक देने वाला है। मैं एक बार चालू करके दिखा देता हूँ, देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। मैं बंद करके भी दिखाऊंगा, चालू करके भी देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है, बहुत खूबसूरत लुक आता है शाम के समय। आपकी जो ये लाइट है ये चार चांद लगाने वाली है आपके आपके विला को, आपके घर को, घर को महल बना देगी। इतना बढ़िया खूबसूरत सा इंटीरियर यहाँ पर आपको मिल रहा है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे की तरफ और लेकर के चलूँ तो हम लोग देखेंगे इसका सेकंड फ्लोर। लेकिन देखिए वीडियो पे नए हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो जो है ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा। बढ़िया सा शैंडलियर यहाँ पर आपको मिल जाता है, और ये आ जाता है इसका फर्स्ट फ्लोर। बड़ा हॉल यहाँ पर भी है, अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ गया है, कोई प्रोग्राम है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा हॉल है। शैंडलियर आप देख रहे हैं बहुत प्यारा है, यहाँ पर भी प्यारा प्यारा सा वर्क आपको करके दिया गया है। इस तरफ देखिए ये आ जाता है इसका बाथरूम। बाथरूम का साइज़ काफ़ी बढ़िया स्पेशियस साइज़ है, देखिए इस तरफ तो ये अटैच बेडरूम की तरह यूज़ में ले सकते हैं आप लोग। इस तरफ देखेंगे तो ये आ जाती है इसकी टेरेस। टेरेस काफ़ी बड़ा आपको मिल रहा है यहाँ से, देखिए बढ़िया टेरेस का साइज़ है। मेन जो है टेरेस पे जाने के लिए रास्ता उधर से है, आगे की तरफ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। प्राइस 1,35,00,000 से स्टार्ट होकर के और जो है यहाँ पर 1,90,00,000 रुपये होने वाला है। यहाँ पर जो है गार्डन डेवलप किया है, जो कि इस तरफ आप देख पा रहे हैं, और ऊपर के साइड में कुछ डेकोरेटिव आइटम्स जैसे कि आप देख रहे हैं प्यारे प्यारे से यहाँ पर आपको जो है ये आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा करके दिए गए हैं। लोकेशन बहुत प्यारी है, बाईपास यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, वो देखिए तो सेल्बी हॉस्पिटल में दिख रहा होगा, वो देखिए सेल्बी हॉस्पिटल। सेल्बी हॉस्पिटल से बहुत नज़दीकी प्रॉपर्टी है, वैशाली वेस्ट के अंदर प्रॉपर्टी लोकेटेड है। और अगर चाहते हैं इस प्रॉपर्टी को परचेज या विजिट करना तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्राइस बता चुका हूँ, देखिए प्राइस जो है वो 1,35,00,000 से स्टार्ट होकर के 1,90,00,000 रुपये तक है, और साइज़ जो स्टार्ट है वो 120 गज से स्टार्ट होकर के और 185 गज तक है। तब अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नॉर्थ और वेस्ट फेसिंग में है। अधिक जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ जाकर के डायरेक्टली कॉल कीजिए प्रॉपर्टी को परचेज और विजिट करने के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, कि वीडियो में क्या कमी लगी है, प्रॉपर्टी में क्या कमी लगी वो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के बता सकते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को हमेशा कुछ ना कुछ इम्प्रूव करते रहेंगे। और देखिए अगर आप भी कहीं पर प्रमोशन करवाना चाहते हैं जयपुर शहर में तो भी कॉल कर सकते हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो भी कॉल कर सकते हैं। हम लोग जयपुर शहर में कंस्ट्रक्शन भी करते हैं और प्रमोशन भी करते हैं, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं, तो इसीलिए कॉल कीजिए प्रमोशन के लिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।